नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स, आपके साथ मैं हूं अदिति। सफलता पाने का संकल्प किसी भी संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सफलता पाने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन उस इच्छा के साथ साथ उसे पाने की शक्ति भी जरूरी है। ऐसी ही एक स्टूडेंट है हमारे साथ जिन्होंने ये शक्ति दिखाई और यूपीएससी के एग्जाम्स में 84 रैंक हासिल किया। सान्या छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है आपका सान्या। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारे सक्सेस गुरु एके मिश्रा जी भी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सान्या, आपसे जानना चाहेंगे, 84 रैंक एक ऐसा रैंक है जो हर कोई नहीं पाता, बहुत मेहनत की होगी आई एम श्योर आपने इसके लिए, पर फिर भी आपकी क्या मोटिवेशंस रही, क्या आपको इंस्पायर करता रहा जो आप इतनी आगे तक आई? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने क्लास 11th में सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, बट उस समय तैयारी नहीं शुरू करी थी। फिर आई कम्प्लीटेड माई BA एंड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैंने पहले सोचा था 11th क्लास में, मैं उसको मटीरियलाइज करती हूँ, तो मैंने तैयारी शुरू करी। तो मोटिवेशन ये रही कि पेरेंट्स और फैमिली और फ्रेंड्स का हमेशा सपोर्ट रहा। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि ये तैयारी ऐसी है कि डीमोटिवेशन के बहुत सारे फेजेस आते हैं, पर उसमें से जो मुझे चीज़ हेल्प करी वो ये थी कि मैं अपनी हॉबी को परस्यू करती थी। तो वो हॉबी परस्यू करने से आई बिलीव इट मेक्स यू कीप गोइंग, सो दैट वाज वन थिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटेड। तो बेसिकली एक रैंडम ख्याल जो यू नो आउट ऑफ लाइकिंग आया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ये करना चाहूँगी, आपने उसको परसू किया बजाय इसके कि अपने आप को बर्डन किया इस थॉट से कि ओ नो आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू डू दिस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं यही कहूँगी कि आई थॉट ऑफ इट, जब पूछते हैं जैसे बच्चों को व्हाट डू यू वांट टू बिकम, सो ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, नॉट नोइंग व्हाट इट टेक्स टू बिकम वन। बट जब मैं 11th में आई तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द सिलेबस, व्हाट इज़ द प्रोसेस, तो फिर मैंने उसे धीरे धीरे मटीरियलाइज करना शुरू करा। आई हैड अ डायरेक्शन ऑलवेज कि मुझे ये करना है, बट उसे मैंने इम्प्लीमेंट अपनी मास्टर्स के बाद किया, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड फॉर्चुनेटली आई कुड मेक इट। सर, आपके हिसाब से जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं, उनके लिए पहला थॉट क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए ऐसा? क्या क्या देश के लिए कुछ करने की इच्छा, या अपने लिए कुछ करने की इच्छा, या जीवन में कुछ करने की इच्छा? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसी एक सिंगल इच्छा से जो कॉम्बिनेशन है वही एक ड्राइव देता है, और तभी जा करके होता है। और जैसे सान्या ने कहा कि 11th में कहीं भी आइडिया आ सकता है, तो कभी लेट भी आए कभी ज़्यादा, जितना जल्दी आए अच्छी बात है। तो इनके मन में अपने करियर से रिलेटेड एक चॉइस आना शुरू हो गया कि मुझे इस सिविल सेवा में जाना चाहिए। तो नेचुरली जब एक बार कॉन्शियस होता है इंसान तो चन्नस होता है। जहाँ तक मोटिवेशन के फैक्टर रहे, जो अभी आपने तीनों के लिए कहा, खास करके सिविल सर्विस एग्जाम ने चाहना ऐसा है, अपना करियर तो चाहिए ही चॉइस में, लेकिन इस इज़ नॉट जस्ट ए जॉब, इट्स ए करियर। तो इसके पीछे वही आगे भाग सकता है, मेहनत कर सकता है, जिसके पास जो बड़े उद्देश्य हैं समाज के लिए, देश के लिए, कुछ ऐसी जो अपनी पोटेंशियल को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज कर सके। ये सारे एक ड्राइविंग फोर्सेस बन जाते हैं इसके साथ में। और अभी आप उसी तरह की बातें सान्या के एक्सप्लेनेशन में भी लगभग आपने सुना। जी सान्या, आपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली कैसी है, क्या सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से? जी, मैं राजपुरा से हूँ। राजपुरा पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि पंजाब में है। और आई हैव एन एल्डर ब्रदर, और मम्मा और पापा हैं, बहुत न्यूक्लियर फैमिली है। माय मदर इज़ अ होम मेकर और फादर बिजनेस में है, माय एल्डर ब्रदर इज़ आल्सो इन बिजनेस। एंड सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा वो करने दिया जो मैं करना चाहती थी। कभी जैसे 11th क्लास में भी हमें स्ट्रीम डिसाइड करना होता है कि मेडिकल लें नॉन मेडिकल लें, तो जनरली टेंडेंसी रहती थी कि यू नो साइंसेस की तरफ बच्चे जाते हैं, बट आई वांटेड कि मैं आर्ट्स करूँ, ह्यूमैनिटीज़ करूँ, बिकॉज मेरा वो वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही कि उन्होंने मुझे वो करने दिया, इनफैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छी कोचिंग के लिए यू नो बोला कि अच्छी कोचिंग लो। सो बिगेस्ट सपोर्ट यही रहा कि दे ऑलवेज मेड मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू, तो ये आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर रहा है। और जब आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि अब मैं यू नो एग्जाम्स देना चाहती हूँ, तैयारी करना चाहती हूँ, तो आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ वेरी सपोर्टिव आंसर टू दैट, पर फिर भी यू नो व्हाट वाज द एक्चुअल रिस्पांस? या दे सेड कि अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। उनकी तरफ से कभी प्रेशर नहीं था कि यही ही करना है, वो मेरा ही चॉइस था और उन्होंने उसमें मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और कभी ये भी नहीं था कि करना ही है, कि जैसे
सक्सेस रेट हमें भी पता है, कई बार you know, इतना अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है, चांसेस होते हैं कि नहीं भी हो, तो वो भी कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, दैट वॉज नॉट द केस. तो मैंने बिना बर्डन के तैयारी करी और मुझे लगता है उसने मुझे हेल्प किया कि बिना बर्डन के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना प्रेशर के जब पढ़ो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो उसी ने आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाने के लिए हेल्प किया. सर, आपके हिसाब से प्रेशर का क्या रोल होता है किसी के भी प्रिपरेशन में? शुड इट बी एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री या थोड़ा सा होना चाहिए कि इंसान काम करता रहे अपनी दिशा में? स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है. और प्रेशर, देखिए इसमें कई बार हम स्ट्रेस को हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं. कोई भी काम आप जब अपनी कैपेसिटी से आगे लेने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली कैपेसिटी बिल्डिंग का बेसिक रूल कहता है कि आप स्ट्रेच करिए तो स्ट्रेच भी स्ट्रेस भी होगा जी. लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए. वही स्ट्रेस यदि आपने मैनेज नहीं किया या उस स्ट्रेस को अपना प्रॉब्लम समझने लग गए कि ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर एंग्जाइटी में बदल जाएगा, फिर वही चीज़ें और होती जाएगी. प्रेशर काम होगा तो प्रेशर भी आएगा, जब मंजिलें बड़ी होंगी तो काम का भी प्रेशर होगा. तो ये दोनों चीज़ें, प्रेशर में रहना या मैनेज स्ट्रेस मैनेजर, नॉर्मली स्टूडेंट या कोई भी समझते हैं कि भाई स्ट्रेस में, जो स्ट्रेस फ्री आदमी वही हो सकता है जो कुछ करना नहीं चाहता, जो कुछ करना चाहेगा तो स्ट्रेस भी होगा. लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना, वही अपनी खास खास की इंटेलिजेंस है और पाता भी वही इंसान है जो इसको मैनेज करके आगे बढ़ता है. कोई भी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए तो मेहनत करके ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती. बिल्कुल सर. सान्या, आप ये बताइए कि इस जर्नी के दौरान क्या आपने कभी गिव अप किया, कभी लगा कि आई कांट डू इट एनी मोर, लेट बी? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद आपको लगता है कि इट्स अ ट्रैप, कि कहाँ फंस गए हो, इतना सिलेबस है, हो नहीं रहा है. कभी लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है सिलेबस कम्प्लीट करना. बट आई थिंक ट्रिक उसी में है कि ऐसे फेजेस ऑफ डीमोटिवेशन में भी अगर आप रोज़, जैसे सर ने बोला, स्ट्रेस मैनेज करके पढ़ना मैनेज कर सकते हैं तो वहीं पर ही आई थिंक सक्सेस लाया करता है. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं अपनी हॉबीज प्रैक्टिस करती थी, तो उससे एक आपको एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है बट इमोशनल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सिंस आई मेडिटेटेड तो मुझे लगता है उसने भी मुझे बहुत हेल्प करा कि कैसे स्ट्रेस को टैकल करना है या टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए. तो उन सब चीज़ों ने आई थिंक मुझे हेल्प किया. सर, सिलेबस के साथ साथ इन्होंने तैयारी के साथ साथ अपनी हॉबीज को इंटैक्ट रखा, तो आई थिंक ये तो आप ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे कि हॉबीज़ हैं तो उन्हें और मतलब एक्टिवली उसे इस्तेमाल कीजिए, उसे बाहर लाइए. Would you prescribe that? Civil Services Personality Test में पूरे DAF में एक स्पेशल कॉलम है कि what have been your hobbies and extra curricular activities, जो नॉर्मली वो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया होता है जहाँ कैंडिडेट को नंबर मिलते हैं और बात करनी होती है. अच्छा. हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रिफ्रेश करता है, रिक्रिएट करता है. मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कुछ भी हॉबी आपके लाइफ में इंटरेस्ट होनी चाहिए जो आपकी रूटीन प्रोफेशनल वर्क से डिफरेंट है, जो आपको हमेशा ताज़ा बनाने में काम आएगा. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा मजबूत करता है. और इसी तरह से सान्या ने चर्चा की बार कि मैंने जब जब भी स्ट्रेस हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो मैंने अपनी हॉबीज़ को किया. तो दैट इज़ ऑलवेज इन लाइफ, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, कहीं भी कुछ काम करने में कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्ट की अपनी लाइफ में होनी चाहिए जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपका काम कर मन करता हो, जो आपको रूटीन के जो वर्क हैं उससे आपको अलग कर करके फिर से ताज़ा कर देता हूँ. तो दैट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड. सर, क्योंकि हम सिलेबस की बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो ऑडियंस में लोग हैं उनकी भी क्वेरीज आती हैं, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जानना चाहते हैं, तो सान्या से उस तरह बातचीत की जाए कि हमारे दर्शकों को भी मदद मिले. बहुत अच्छी बात है सान्या, बहुत बहुत बधाई आपको इतना शानदार रैंक लेने के लिए, और वो भी पहले अटेम्प्ट में. सबसे पहले कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, है ना, इट्स देयर. बहुत सारे लोगों को कई के साल लग जाते हैं, और जिनको भी हमने इंटरव्यू लिया इन बात होती है तो लास्ट पे पांचवें अटेम्प्ट हो या छठे अटेम्प्ट हो, बात वही आती है कि जिसमें आप रेडी हो वही अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट है. आपने चूंकि पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक लिया और IAS बन गई हैं, तो आप पहले ये बताइए कि जिसको कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो उसके लिए जो फ्रेशर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक जो की मुझे हेल्प करी वो ये थी कि कॉन्फिडेंट रहना, बिकॉज जैसे आपने भी बोला कि बहुत बच्चे फोर्थ अटैम्प्ट फिफ्थ अटैम्प्ट में करते हैं तो जनरली सुन के ही डिमोटिवेशन हो जाता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो हो ही नहीं सकता है जी. बट अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं,
तो आई बिलीव जब आप दिमाग में ये सोच लेते हो कि नहीं आई कैन डू इट एंड आई ऑलवेज थॉट दैट माई फर्स्ट अटैम्प्ट हैज़ टू बी लाइक माई लास्ट अटैम्प्ट. तो जब मैंने यही सोच लिया तो मेरा एफर्ट उतना ही था जितना मैं बेस्ट दे सकती थी और उस बेस्ट एफर्ट के साथ मैंने अटैम्प्ट दिया. तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि डीमोटिवेट ना हो. फेजेस ऑफ डीमोटिवेशन ज़रूर आते हैं बट स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें, कॉन्फिडेंट रहें हर फेज में, ना केवल इंटरव्यू में हर एक फेजेस पे, मेंस में भी कॉन्फिडेंस से बहुत आधी गेम जीत जाते हैं हम. और कंसिस्टेंट रहें, ये नहीं कर सकते कि एक दिन 21 घंटे पढ़ते हैं और बाकी हफ्ता नहीं पढ़ते हैं. चाहे 6 से 7 या 8 घंटे रोज़ पढ़ें बट रोज़ पढ़ें. तो आई बिलीव कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम पकड़ के रखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पेपर हो सकता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले निकल के रही आई कि पहले दिमाग में नहीं बिठा लेना है कि यदि 6 अटेम्प्ट UPSC ने दिया तो मुझे 6 देना ही पड़ेगा तब होंगे. हर अटेम्प्ट को जैसे आपने कहा कि उसी को पहला और लास्ट अटेम्प्ट समझ के सामने, यदि दूसरी बार भी अपेयर हो तो उसको भी हर बार ही सोचना चाहिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है. और जब तक माइंड को ये नहीं समझाएंगे नहीं होगा. दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी. दिस इज़ वंडरफुल थिंग. बिल्कुल सर, मगर जो बातें आपने कही मैं चाहूंगी कि दर्शकों के सामने एक बार फिर से रिपीट की जाए. कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की भी, ये जारी रहेगी चर्चा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स और आपके साथ मैं हूं अदिति. और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सक्सेस गुरु AK मिश्रा जी और जो स्टूडेंट हैं वो है सान्या छाबड़ा. सान्या छाबड़ा ऑल इंडिया रैंक में 84 रैंक प्राप्त करके आगे बढ़ी हैं. कॉन्वर्सेशन को जारी करते हैं. सर, हम बात कर रहे थे सिलेबस की, तो सिलेबस के मायनों से एक कैंडिडेट कैसे आगे बढ़ता है ये वो डिस्कशन हम सान्या के साथ करते हैं तो उसे और क्लैरिटी आएगी कि सबसे बड़ी चीज़ एक स्ट्रक्चर डिफाइंड सिलेबस है. तो उसके बारे में जो आपने किया, लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टार्टिंग में कि सिलेबस पर कैसे वर्क करना चाहिए स्टार्टिंग में? सर, सबसे पहले तो ये कि तैयारी को हम बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं कि पहले प्री की कर लेते हैं फिर प्री निकल जाएगा तो मेंस की कर. इंटीग्रेटेड होना चाहिए दोनों. बिल्कुल इंटीग्रेटेड तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है. फ्रॉम डे वन आपको दिमाग में रखना है कि तीनों फेजेस क्लियर करने हैं तभी सक्सेस आता है. तो जहाँ आप अपने आप को इक्विप करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वहीं सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी और अपने आर्टिकुलेशन स्किल्स जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करते हैं उसके ऊपर भी वर्क करना है. तो सबसे पहला सजेशन तो ये कि तैयारी इंटीग्रेटेड रखें. Good. जी. दूसरा ये कि स्ट्रीमलाइन करके चलें. हम बोलते हैं कि कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की, विच इज़ ट्रू, बट एक डिफाइंड सिलेबस है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है. ये दो मैं मानती हूँ कि एक डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ जाके आपको तैयारी करनी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिलेबस आपको स्ट्रीमलाइनिंग में हेल्प करता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़नी है. जी जी टॉपिक्स जी 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 तो सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हैं, जो टॉपिक्स लिखे हैं, उस पर हर टॉपिक पे आई बिलीव कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए. तो जैसे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में भी कई बार डायरेक्टली टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आता है. तो जब वो हमें मैनेज करना है वो तब हो पाएगा जब हमने हर सब्जेक्ट के ऊपर वन पेजर या थोड़े ब्रीफ नोट्स बना रखे हैं. और तीसरा यही नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एंड टाइम पे एग्जाम से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले हम क्विकली रिवाइज कर सकें. तो क्रिस्प और स्मार्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं. इसमें सान्या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है. आपने कहा क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट्स, ये हमेशा लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि किस तरह का नोट्स बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, क्या डिटेल होना चाहिए. तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप कि क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट्स से क्या मतलब है. सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट रीडिंग में हम नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमें लगता है कि ये सभी इम्पॉर्टेंट है और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि हम पूरी जो भी हमने पढ़ा सोर्स है उसको कॉपी कर डालते हैं नोट्स में.
तो आई बिलीव एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड रीडिंग में आप समझ पाते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नोट्स में लिखना है, क्या नहीं लिखना है. और फिर से वही कहूँगी कि सिलेबस को जब हम ध्यान में रखते हैं तो आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक पे एम्फसाइज करके हमें किस तरह के नोट्स बनाने हैं. जी, और स्मार्ट नोट्स से मतलब ये था कि वैसे तो चॉइस रहती है कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं या ऑफलाइन, बट सजेशन यही रहेगा कि ऑनलाइन बनाएं जिसमें एडिटिंग करना, किसी टॉपिक में एड ऑन करना, डिलीशन करना काफ़ी ईजी रह जाता है. तो बाय क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट्स आई मीन कि हर टॉपिक पे नोट्स हों, फर्स्ट रीडिंग में ना हो तो बेटर है, ऑनलाइन हो तो बेटर है, बट ऑफलाइन भी अगर आप कर रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट नोटबुक्स रख के, जैसे GS1 की अलग या हिस्ट्री की अलग और ज्योग्राफी की अलग, उसी में फिर आप करंट अफेयर्स कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो यू हैव रेडी रेकनर फॉर यू, ताकि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर डाउट हो तो आपने वो वाला नोट ऑनलाइन जो है उसे खोल लिया एंड यू कैन गो थ्रू इट. ऑलराइट, इनशॉर्ट ई बुक जो हमेशा सजेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपने कौन से स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक पढ़ी? जी सर, जैसे ज्योग्राफी है वो मैंने 6th to 12th पूरी पढ़ी. हिस्ट्री में मैंने +1, +2 की जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, बिपिन चंद्रा और एंशंट और मिडिवल की जो है वो पढ़ी. साइंस एंड टेक की मैंने 6th to 10th पढ़ी, 11th 12th नहीं. और इसके अलावा इकोनॉमी में मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो उसकी मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी बार पढ़ी हुई थी, तो दैट एनसीईआरटी वाज वन दैट आई स्किप्ड. बट आई बिलीव 6th to 12th इम्पॉर्टेंट है, पर कई सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री है उसमें मैंने सिर्फ 11th 12th का किया था. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपने बहुत ही स्मार्ट प्रिपरेशन किया. बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि एनसीईआरटी को कब कहाँ से कौन से स्टैंडर्ड पढ़ें, ओल्ड पढ़ें, न्यू पढ़ें. आपने उसको बहुत ही एलेबरेट करके समझा दिया कि एज पर नीड आप ओल्ड न्यू कर कंसर्न करिए, और किस स्टैंडर्ड से पढ़ना है वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट में क्या है. तो ये ऑडियंस को पता होना चाहिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं कि दिस इज ऑल योर कन्वीनियंट आइडिया है कि आप सिलेबस को आप ध्यान में रखते हुए उसको चलते चले जाएँ. तो एक नोट्स की बात हो गई, एक इसका हो गया टाइम मैनेजमेंट. ओवरऑल प्रिपरेशन में डिस्कशन से पहले जानना चाहेंगे, बहुत लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि बहुत घंटे पढ़ने होंगे, दुनिया की सब कुछ छोड़ देनी होगी और तब जाकर के IAS बन पाएंगे. आपका अनुभव क्या रहा, चूँकि आपने पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया और इतने शानदार रैंक के साथ, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि एक कंसिस्टेंट स्टडी कितने घंटे की लगभग होनी चाहिए जो एक करियर के लिए सही है? सर फिर से मैं ये कहूँगी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा. जी मैं इस आपके स्टडी आवर्स क्या थे? आई वॉज नॉट वन ऑफ देम जो 12 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो आई वॉज वन जो 7-8 hours एट दी मोस्ट पढ़ते थे जनरली, बट ऑब्वियसली जब एग्जाम पास आता है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. तो अगर आप जनरली बात करें तो 7-8 hours वो समथिंग जो मैंने किया. और जैसे आपने बोला कि सोशल एक्सक्लूजन हो जाए बिल्कुल, कि हम बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करें, वो नहीं मैंने किया. डिप्रेसिव स्टेट में जैसे मैंने बोला कि हॉबी भी मैं परस्यू करती थी, और ज़रूरी है कि आप 15 days बाद या हफ्ते बाद एक ब्रेक लें पढ़ाई से, सो दैट वापस आप जैसे आपने बताया कि रिक्रिएट करें कुछ, और एफिशिएंसी उससे बढ़ेगी ही, वो स्टडी में आपको हेल्प ही करेगा. और टाइम मैनेजमेंट ये कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल एम्फोसिस होना चाहिए. हम ये नहीं कर सकते कि हम एक टॉपिक पे ओवर एम्फोसिस ज़्यादा दे दिया और दूसरे में नहीं दिया, ऑप्शनल ही करे जा रहे हैं. तो हर चीज़ को बैलेंस करके एक बहुत स्मार्ट स्केड्यूल बनाए, मंथली, उसमें वीकली, उसमें डेली, सो दैट आपको पता हो कि इस मंथ मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, वीकली ये करना है, डेली ये करना है. और उसमें ऑफकोर्स ऐसे आवर्स भी होने चाहिए एवरी डे जिसमें यू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ और योर फैमिली और फ्रेंड्स, वट एवर हेल्प्स यू. सो आई बिलीव टाइम मैनेजमेंट सबका अपना होगा, बट मेरे हिसाब से 7-8 hours ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी जनरली इज अ मस्ट. आपने चूंकि काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है हॉबीज को, हाउ हॉबी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कैंडिडेट्स लाइफ, खासकर के सिविल सर्विस, थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं. आपकी हॉबी क्या है? सर आई यूज टू मेडिटेट, सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई डिड. सेकेंडली आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, सो मैं रीडिंग बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं आउट ऑफ करिकुलम जो बुक्स होती थी वो पढ़ती थी एज रिक्रिएटिव टास्क. मेडिटेशन की बात आपने कही है, तो आपने डायरेक्टली एक रिलेवेंस की बात की तैयारी के लिए कि आप अपने थाट्स को कंट्रोल कर करके कैसे स्टिलनेस ला सकते हैं. क्या आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली आपने इसके लिए? जी सर, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन अभी तो नहीं, बहुत पहले से ज्वाइन करी थी व्हाइल आई वाज इन ग्रेजुएशन. ज्वाइन भी किया, माय मदर यूज्ड टू गो, सो आई यूज्ड टू गो विद हर, और धीरे धीरे सीखने को मिला.
बट आई बिलीव मेडिटेशन भी एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. इसमें ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि कोई सेट प्रोसेस है कि इसी के थ्रू हमें मेडिटेट करना है. तो वट एवर यू लाइक, मेडिटेशन है या कोई और हॉबी है, जो भी रास्ता मिलता है आई बिलीव, जो आपको रिफ्रेश करके रीएनर्जाइज कर दे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट. दूसरा आपने कही कि लिटरेचर की बात, कि अपने कुछ पढ़ना भी है तो जो इंटरेस्ट की चीज़ है, जिसका कोर्स से मतलब नहीं, लेकिन आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं तो एक पढ़ने की हैबिट भी बनी हुई है. हॉबी के बारे में यू, क्या यूपीएससी में भी आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? जैसे आपने बोला डाफ में हम डायरेक्टली मेंशन करते हैं, और ये दो हॉबीज़ मेरी भी डाफ में मेंशन थी. तो इनिशियली फ्यू क्वेश्चंस में उन्होंने मेरे से पूछा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि आप मेडिटेट कैसे करते हैं. तो आई बिलीव जब आपको ये आंसर करना है तो वही कैंडिडेट कर सकता है जिसने किया होगा. इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं हेल्प कर पाएगी. तो ये भी सजेशन रहेगा कि जब आप डाफ में हॉबी लिखते हैं तो वही लिखें. जी जी, डू नॉट मेक अप अ हॉबी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंटरव्यूअर विल कैच यू. जी जी, मैंने एक्सप्लेन करा प्रोसेस कि मैं कैसे मेडिटेट करती हूँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें आप कंट्रोल नहीं करते हैं थॉट्स को. यू जस्ट सी योर थॉट्स, व्हाट आर यू थिंकिंग दैट यू थिंक. सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में प्रैक्टिस करती थी और उनको मैंने अपना प्रोसेस एक्सप्लेन किया. या तो दैट हैड माइट हैव बीन वेरी कन्विंसिंग टू देम, होपफुली. यस सर, लगता है कि सभी कैंडिडेट्स के जर्नी में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं. इनकी जर्नी में अगर इनकी हॉबीज़ है तो शायद उन्होंने इनको उस हैप्पी स्टेट में रखा जहाँ पे ये मोटिवेटेड रही, जहाँ पे ये इंस्पायर्ड रही, जहाँ पे इनकी जर्नी जो थी वो स्मूथ रही. कई स्टूडेंट्स की जर्नी में आई थिंक कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की, वो करियर बनाने वाली इच्छा जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. आई थिंक हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे दोबारा बात करेंगे, मगर हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए. वक्त कम है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा जैन है और सिविल सर्विसेज 2018 के एग्जाम में मेरी 22वीं रैंक आई है. मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें आप लोगों को ना सिर्फ ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने चाणक्य IAS में मॉक इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिले जिन पे मुझे ना सिर्फ ही तब आंसर करने का मौका मिला बट बाद में मैंने जाके सोचा भी और इसका मुझे अपने इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा हुआ. इसके अलावा एक एरिया जिसमें मेरी चाणक्य IAS के मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प हुई वो था पॉलिटी और गवर्नेंस. मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैं तब तो आंसर नहीं कर पाई बट मैंने घर जाके उनको अच्छे से पढ़ा और इंटरव्यू में जब उस फील्ड से फिर से सवाल आए तो मैं बहुत अच्छे से बेटर आंसर कर पाई. मॉक इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप अपने इंटरव्यू को मेंस और प्रीलिम्स जितनी इंपॉर्टेंस दें और ये बहुत बड़ा मार्कर होता है आपकी रैंक का. तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स. हम बात कर रहे हैं आज सान्या से और उनकी जर्नी के बारे में. सर, टेक्निकल अगर डिटेल्स में हम जाएं तो एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रेपरेशंस करनी चाहिए कि वो एक ही अटेम्प्ट में या मिनिमम अटेम्प्ट्स में गेट थ्रू हो जाए. आज के लिए बेस्ट आंसर जो हमारे पास सान्या से ही लेना है इसमें ठीक रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. जी, तो सबसे पहले सान्या से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि एक प्रिपरेशन टिप्स के अंदर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर पहले, चूँकि पहला ही स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और काफ़ी दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली प्री के एग्जामिनेशन की तैयारी में उसे तो आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया जो आइडियल प्रिपरेशन, बट कुछ खास चीज़ें जिसको ध्यान करना चाहिए प्री में वो क्या है? सर, सबसे पहले तो ये कि सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए. सिलेबस का कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. सेकेंडली, जैसे हम प्रीवियस, आपका कहने का मतलब है हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ जानकारी क्लैरिटी के साथ हो. बिल्कुल बिल्कुल, क्लैरिटी. और सेकेंडली ये कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो यूपीएससी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप फैक्ट्स आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उससे फैक्ट्स भी याद करने में आसानी होगी. तीसरा ये कि अगर हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं तो पेपर बहुत करंट ओरिएंटेड आता है,
तो हम करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं. तो जहाँ स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है वहाँ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर चाहे वो हम न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, मंथली मैगजीन से कर रहे हैं, योजना से कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक कैंडिडेट के सोर्सेज होते हैं वहाँ से करें, बट करंट अफेयर्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट करंट अफेयर्स का कॉम्पोनेंट बढ़ ही रहा है, तो करंट पे फोकस रहे. और लास्टली बट बहुत इम्पॉर्टेंट ये कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको आइडिया नहीं होता है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की फीलिंग कैसी होती है. और उससे आपको ये भी पता चलता है कि स्मार्ट गेस वर्क कैसे करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, आइडियल अटेम्प्ट कितना रहना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर. सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स को लेकर. एक बात जानना चाहूँगी, आप कह रही हैं कि पेपर की जो टाइमिंग होती है उस टाइम पे वो भी मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है. ऐसा सोचना ज़रूरी है कि 200 क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो क्या ये उससे अलग है जब आप ग्रेजुएशन में पेपर्स देते हैं या जब आप स्कूल में पेपर्स देते हैं? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? तब तो हम ऐसी तैयारियां नहीं करते हैं, बट यू नो मेनी ऑफ अस कम आउट विद गुड नंबर्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाज इन ह्यूमैनिटीज, तो ऑब्जेक्टिव तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ सब्जेक्टिव था. तो वो एक ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड लाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है. हो सकता है साइंस के स्टूडेंट्स इस चीज़ में थोड़े अडेप्ट होते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिव आंसर्स कैसे देने हैं. उसमें भी लेकिन यूपीएससी में प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से हमें देखना होता है कि हम कितने अटेम्प्ट करें, कितना गेस वर्क कर सकते हैं, किस में एलिमिनेशन से पॉसिबल है. तो वो आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए वो आई थिंक प्रैक्टिस से हर बच्चा अपना डेवलप. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल जी. सान्या, करेंट अफेयर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जैसे आपने कहा, इसकी तैयारी कैसे करें और क्या रेलेवेंट है पढ़ना करेंट्स में और क्या नहीं है, ये चीज़ का फैसला आपने कैसे किया जो लोगों को समझाना चाहेंगे? सर, करंट की तैयारी करते करते ही रास्ता मिला मुझे. ऐसे कोई ओवरआर्किंग मैंने पहले ही फ्रेमवर्क नहीं बना के रखा था कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन आई रियलाइज कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं. बट फॉर द कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं आई वुड लाइक टू शेयर माई सोर्सेज. सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये कहने में सुनने में आता है कि जब आप करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन करते हैं तो पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता है, बट मैं ये मानती हूँ कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी न्यूज़ डेली आपके माइंड में डेवलप होती है, तो उसको याद वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, ना कि एक बार मैंने डाइजेस्ट के रूप में लेना सीधे ठीक बात नहीं, उसको ग्रेजुअली यदि अडॉप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है. तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है न्यूज़पेपर. सेकेंडली मैं कहूँगी कि मंथली मैगजीन यूज़ करनी है तो एज सप्लीमेंट यूज़ करें, उसको सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं यूज़ करें. न्यूज़पेपर में ये भी सवाल आता है कि कितने न्यूज़पेपर पढ़ें और कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? ऑनेस्टली मैंने एक पढ़ा सर मेंस तक, द हिंदू, और इंटरव्यू के लिए मैंने साथ में इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा. तो वो फिर से कैंडिडेट की अपनी कम्फर्ट लेवल, अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है कि कौन सा न्यूज़पेपर और कितने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. आई थॉट कि मेंस तक आई वुड जस्ट स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, और इंटरव्यू के लिए ऑफ कोर्स आई रेफर टू एक एडिशनल लिया. लेकिन बेसिकली एक न्यूज़पेपर जैसे नेशनल लेवल का अच्छा न्यूज़पेपर हो बिल्कुल पढ़ना, और तो उसको लेना चाहिए. और बाकी सप्लीमेंट की कितना टाइम आप लगाती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में? इनिशियली ज़्यादा टाइम लगता था, 3 घंटे भी लगते थे एडिटोरियल्स पढ़ने में टाइम, बिकॉज आदत नहीं होती है पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की. पहले मैं पढ़ती ज़रूर थी बट इतने आप एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड से नहीं पढ़ते हो, आप ले मैन की तरह पढ़ते हो. पर जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, नोट्स बनाने हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गूगल करनी है, तो टाइम लगता है. बट ग्रेजुअली वो कम हुआ टाइम, जब आदत हो गई, समझ आ गया कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर आप अल्टीमेटली 1.5 hours to 2 hours फिर भी लगता है सर अगर आप थोरो रीडिंग कर. तो उसमें से क्या पढ़ना है कहनी चाहिए उसका, इसका डिसीजन आपको कैसे डिक्लेयर हुआ जो लोगों को समझाना चाहेंगे कि क्या पूरे न्यूज़पेपर में क्या रेलेवेंट है जहाँ आपको फोकस करना चाहिए? सर, फिर से मैं कहूँगी सिलेबस से बड़ा गाइड कुछ नहीं है. तो सिलेबस आपको हेल्प करता है जानने में कि क्या पढ़ना है. जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहे हैं डेली, दैट्स जिससे आप सप्लीमेंट उसको कर सकते हैं. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन हॉल में जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत है, जो स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन स्किल, उसके बारे में ज़रा बताइए आपने. जी, सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, क्योंकि कई बार पेपर ऑन द सर्फेस लेवल देख के लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं आता है, तो हम पैनिक में इतना आ जाते हैं कि जो आता होता है फिर वो भी हम अच्छे से एफिशिएंटली नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि पेपर सबके लिए सेम होता है.
आपने ये नहीं सोचना कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो या अनप्रिपेयर्ड हो, जब आप इतनी मेहनत करके आए हो तो एक काम और कंपोज्ड माइंड के साथ आप पेपर देखना शुरू करें। मेरा ये रहा था कि मैंने फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस ओएमआर शीट में मार्क करें जो मुझे श्योर शॉट पता थे कि इतने क्वेश्चंस का ये आंसर है। सेकंड राउंड में मैंने एलिमिनेशन यूज़ करके कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, उससे फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस करे और कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में एजुकेटेड गेस्ट लिया जिसके थ्रू आई कुड सेल थ्रू प्रीलिम्स। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर से वही कहूँगी कि हर कैंडिडेट का अपना स्ट्रैटेजी रहता है और वो आप फिर से डेवलप करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे कितना कूल और बैलेंस्ड भी रखते हैं। वो एग्जामिनेशन हॉल भी बहुत ज़रूरी है और एग्जामिनेशन से पहले नींद भी अच्छी पूरी जरूर होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पूरा कर सकें। थोड़ी सी अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन हमेशा एक चुनौती होता है कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शनल, हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपका सब्जेक्ट क्या रहा ऑप्शनल, कैसे सेलेक्ट किया आपने, किसके पीछे रीजंस क्या रहे? वैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स रहा है तो पहले मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट करती हूँ, बट फिर जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी कम सिलेबस है जो मेरे मास्टर्स और ग्रेजुएशन के साथ ओवरलैपिंग है। फिर भी मैंने तैयारी शुरू करी बट गाइडेंस का अवेलेबिलिटी नहीं था, टेस्ट सीरीज नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है। दो लिटरेचर लोग लेते हैं, स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे लगा कि थोड़ा अनमैनेजेबल है। तो फिर जिसका सबसे ज़्यादा रेजोनेंस था इंग्लिश लिटरेचर के साथ वो था सोशोलॉजी, क्योंकि मैंने जेंडर स्टडीज़ और काफ़ी पढ़ा हुआ था तो सोशोलॉजी में मुझे हेल्प हुआ। और जनरली अगर कैंडिडेट्स को कुछ पैरामीटर्स चाहिए तो आई वुड से फर्स्ट और बेसिक पैरामीटर तो इंटरेस्ट है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ही आप उसे इतनी डिटेल में पढ़ पाएंगे जो ऑप्शनल में रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट एंड सेकेंड आई वुड से टेस्ट सीरीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस से हाफ वर्क इज़ डन, यू नो, यू गेट अ डायरेक्शन, तो वो ज़रूरी है। और तीसरा वही कहूँगी कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें। कई बार हमें लगता है कि ग्रेजुएशन में ये कराए तो ये हम कर लेंगे, बट किस तरह से यूपीएससी पूछ रहा है वो कई बार डिफरेंट हो सकता है। जी, एक मेंस की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है, जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल, इस पर सवाल उठता है कि किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ऑप्शनल को दें, जीएस को दें, ये बहुत सारी चीज़ें। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम डीमिस्टिफाई कर सकें बहुत सारी चीज़ को। तो कैंडिडेट दिमाग में क्या ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम दें, कुछ जीएस को टाइम दें, पहले ऑप्शनल पढ़ लें फिर जीएस पढ़ लें, तो इसके बारे में आपको क्या? जी, सबसे पहले तो ये कि मेंस की जो नोट मेकिंग है या फर्स्ट टाइम जो सोर्सेज पढ़ने हैं वो बाय, जैसे मैंने जून 2017 में तैयारी शुरू करी तो बाय जनवरी 2018 आई वॉज डन विद मेंस, ब्रॉडली स्पीकिंग। कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो फिर उसके बाद मैंने प्रिलिम्स के बाद जो पेंडिंग टॉपिक्स थे पहले मेंस के वो ख़त्म करें और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखी कि जो भी टॉपिक लिखा है सिलेबस में एटलीस्ट मेरे पास कुछ मटेरियल हर टॉपिक पे होना चाहिए। तो ये थीमेटिक जो तैयारी है थीम वाइज या सब्जेक्ट वाइज इसने हेल्प किया। और ऑफ कोर्स आपको एक बहुत फाइन बैलेंस बना के रखना पड़ता है बिटवीन ऑप्शनल एंड ऑल दी जीएस। अगर आप ऑप्शनल को निग्लेक्ट करते हैं तो आप मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो मार्जिन आता है ऑप्शनल के थ्रू उस पर लूज आउट करेंगे। आफ्टर ऑल वो आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपको एडवांटेज है यदि अच्छा करके निकालने का। और जीएस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं तो ऑप्शनल पीछे रह जाता है, ऑप्शनल पे रखते हैं तो जीएस और एसए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पीछे रह जाता है। तो अपना स्केड्यूल ऐसा बनाएं कि सब चीज़ों के ऊपर इक्वल फोकस हो। एसए और एथिक्स को यूजुअली निग्लेक्ट कर दिया जाता है पर वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आपको जीएस में और एसए में सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए आपके? सर मेरे सबसे ज़्यादा एथिक्स में। एथिक्स जी सर। तो थोड़ी सी जानकारी हम ऑडियंस के लिए एथिक्स पे ही लेना चाहते हैं। एथिक्स एक ऐसा पेपर है, पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। आप ज़रा फॉर न्यू ऑडियंस ये तीन टर्म को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड क्या है और इस सिलेबस का स्कोप क्या है। जी सर। सर एथिक्स के पेपर में जो तैयारी रहती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना शायद हम उसे कर देते हैं। तो एथिक्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही थी। जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं एथिक्स के पेपर में मैंने उनको गूगल किया, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुक से उसे पढ़ा और फिर पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में केस स्टडीज़ हैं या टॉपिक्स हैं उनको ही अटेम्प्ट करके देखा, इवेल्युएट कराया, उस फीडबैक पे वर्क किया एंड आई कुड सेल थ्रू एथिक्स इन अ गुड मैनर। नहीं सानिया, इसमें एक्चुअली जो हमने पूछा आपसे ये तीन टर्म जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये तीनों का इस पेपर में रखने, उसके बाद फिर अंडर द लाइन सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो फॉर न्यू रीडर्स जो नए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ये तीन वर्ड जो हैं आप इसको एक्सप्लेन कर दें।
सर एथिक्स होती है सम वैल्यूज विच यू आर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेक्टेड टू इम्बाइब. वो एथिकल वैल्यूज मेंशन भी है सिलेबस में, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी इज वन ऑफ देम. तो वो सब वैल्यूज आपको सिखाई जाती हैं. इंटीग्रिटी इज ऑफकोर्स जो आपका मॉरल ऑनेस्टी या जो रहता है वो इंटीग्रिटी है, सर्विस कोड है, बिल्कुल बिल्कुल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं. और जो एप्टीट्यूड है वो डिसीजन मेकिंग जो स्किल है, जैसे केस स्टडीज आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वो एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं. बिकॉज हाफ द पेपर क्वालिटीज चाहिए, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल लेवल पे चाहिए. बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस भी देखें तो केस स्टडीज इतनी प्रैक्टिकल आती हैं कि इस सिचुएशन में व्हाट इज द डिसीजन दैट यू वुड मेक या कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो ये चीजें बहुत केस स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या सजेशन देंगी, कैसे कोई कैंडिडेट्स पेपर में केस स्टडीज के जो प्रिपरेशन को मजबूत कर सकता है. केस स्टडीज़ सॉल्व करें, इवेल्यूएट करा के फीडबैक लाएं. सेकेंडली बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से ही उसे देखें कि आप सिर्फ थियोरेटिकली नहीं लिख सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एंगल से सोचना होता है कि आप अगर उस सिनेरियो में हैं तो आप कैसे डिसीजन लेंगे. तो आई थिंक अगर वही आप अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में इन अ कन्विंसिंग मैनर तो केस स्टडी ईजी हो जाती है. बहुत अच्छी बात है. इसमें कोई खास स्टडी आपने की या आपने क्लास मटेरियल और बाकी से काम किया कुछ और? क्लास मटेरियल और प्रीवियस ईयर के स्टडीज को सॉल्व किया था. वही आपके लिए सफिशिएंट हो चला गया. बहुत अच्छी बात है. ऐसे की भी बात थोड़ी कर लेते हैं. आपने चूंकि ये भी नॉर्मली कैंडिडेट्स नेगलेक्ट करते हैं, आपने क्या अलग से कोई प्रिपरेशन किया ऐसे का? अलग से इतना ही कि मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे ऐसे सॉल्व किए थे, कुछ टेस्ट सीरीज में जो पूछे गए थे वो भी सॉल्व किए थे और फिर उस पर जो फीडबैक मिला उस पर वर्क किया. और ऑफ कोर्स GS और ऑप्शनल जो भी आप पढ़ते हैं उसको सिर्फ आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं आई थिंक वो ऐसे होता है. तो ऐसे में मैं हर ऐसे से पहले पीछे लास्ट पेज पे स्ट्रक्चर बना के फिर उसको लिखना शुरू करती थी. ऐसे स्ट्रक्चरिंग मींस पहले स्केलेटन बनाना उसका पूरा खड़ा. बट ऑल टू ऐड बिकॉज कई बार लिखना शुरू कर देते हो बीच में याद आता है कि ये इंट्रोडक्शन में डाल सकते थे. सो इफ यू स्ट्रक्चर इट वेल पहले ही कि आई वुड बिगिन लाइक दिस, बॉडी में ये आएगा, कंक्लूजन में ये, आई कैन मेक दिस मैप. जैसे इस बार क्वेश्चन था मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो आई मेड अ मैप जिसके थ्रू मैं बता सकूँ कि डिस्प्यूटेड एरियाज कौन से हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स. सो दैट गिव्स अ विजुअली अपीलिंग इफेक्ट टू द एग्जामिनर. इस पेपर का मकसद भी है कि इसमें एक मात्र पेपर है जिसमें आपको लेंथ ऑफ आंसर इज मैक्सिमम 1200 वर्ड्स एंड देर आर टू एसेज. एक एसे को डेढ़ घंटे लिखने का मिल जाता है. तो उसके अंदर में उसकी प्लानिंग जो है, जो शान्या समझाना चाह रही हैं कि आंसर पहले होकर बैठते एक साथ आंसर देखा और लिखना शुरू कर दिया. तो पहले जरूरी उसको पूरा स्ट्रक्चर कर लेना कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मिडिल में क्या होगा, मिडिल में भी बॉडी के अंदर भी क्या क्या पैराग्राफ हम लाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको तैयार करके लिखते चले जाना. तो ताकि उसे एक डायरेक्शन कंप्लीट हो. तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसी में मार्क्स इसी में ही मिलेगा. जो कि रैंडम कोई लिखता है तो जैसे इसने कहा कि अचानक कुछ याद आएगा कि तो पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिखना चाहे जो हम यहाँ लिख रहे हैं जी. या कंक्लूजन में लिखना था तो वो फिर एक 1200 वर्ड के अंदर में समेटना. पहले तो वर्ड लिमिट भी नहीं होता था, एक ही ऐसे लिखना होता था और बड़े लेंदे ऐसे होते, 3 घंटे दिया जाता था. लेकिन धीरे धीरे फिर एक ऐसे कर दिया गया विथ लिमिटेड वर्ड, अब 2 ऐसे कर देंगे. तो इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी कोशिश यही है कि एज एन ऑफिसर आप बाद में जाएंगे तो जब छोटे में डिसीजन लिखना है तो वो छोटे आंसर्स के हिसाब से आए, और जब एलाबोरेट लिखना है तो आप अपने एसे के माध्यम से उसी से डेवलप किया. तो ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर एक प्रैक्टिस है जो डेवलप करना चाहिए, और नॉर्मली सारे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के दौरान भी इसकी तैयारी हो जाती है. तो मुझे लगता है सर आज हमने ओवरऑल सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एग्जामिनेशन के वो कवर कर लिए हैं, और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने हर्डल्स को पार करना है और कैसे सक्सेस अचीव करनी है. मैक्सिमम एपिसोड के अंदर हमने कवर किया, यही कोशिश होती है कि अलग-अलग टाइप के अलग-अलग कवर करें जो काम आए जी. तो सर इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और सानिया आपके टाइम के लिए भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और उम्मीद है कि ऑडियंस में भी आज सबको बहुत मदद मिली होगी हमारी इस कॉन्वर्सेशन से. तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कैंडिडेट के साथ जिसकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, कैसे वो आगे बढ़े इसके बारे में भी हम जानेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.